हेलो किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम बहुत अच्छी दवाई करते हैं लेकिन उस दवाई का रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आते हैं, कीड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेस्टिसाइड के जब चुनाव करें तो 4 R क्या हैं, इसके ऊपर ये पूरा अपना वीडियो रहेगा। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना पैसा भी बचाएंगे, कीड़ा भी पूरा से कंट्रोल होगा और आपको बड़ा अच्छा आनंद भी आएगा। तो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आता है कि हम कोई भी पेस्टिसाइड करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो हमारी समस्या क्या है, कीड़ा है या बीमारी है, कीड़ा है तो कौन सा है, बीमारी है तो कौन सी है, कहाँ है, जड़ में है, क्राउन रीजन में है, तने में है, फल के अंदर है, पत्तियों में है, कोमल हिस्सों में है, उसको आपको पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहता हूँ कि क्रॉप मॉनिटरिंग, फसल की सही से जांच करें, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसको आप जितनी जल्दी से जांच करेंगे उतना ही हमको कोई भी पेस्टिसाइड का चुनाव करने में, चाहे वो हर्बिसाइड हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो फंजीसाइड हो, चाहे वो माइटीसाइड हो, आपको बहुत आसानी होगी। तो आप उसको सही से पहले जांचें परखें, फिर जो अगर कोई कीड़ा है या बीमारी है तो उसकी कमजोर कड़ी क्या है। जैसे मैं, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, मेरे हर वीडियो टेक्निकल है, उसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि ये जो है ये इस कीड़े की कमजोर कड़ी है, यहाँ पे आप अगर स्प्रे करेंगे तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हल्की दवाई का भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वो हमको देखना है। एक मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, जैसे कैटरपिलर, गिडार या सुंडी जिसको हम कहते हैं, तो वो जब अंडा होता है या अंडे से जो फर्स्ट इंस्टार निकलता है उस गिडार का या सुंडी का या लट का या कैटरपिलर जो भी आप कहते हैं, वो उसकी सबसे अच्छी कमजोर कड़ी है। अगर आपने उसी समय पे उसको कंट्रोल कर दिया तो आपका बहुत अच्छे और बहुत सस्ती दवाई में आपको इलाज मिल जाएगा। तो ये हमको देखना है। जैसे यहाँ पे फोटो में भी आपको दिख रहा है, बहुत बड़ी हरी जो लट है वो नीचे पहले चॉकलेट कलर की होती है, लेमन बटरफ्लाई है, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से कंट्रोल होगी। और अगर ये जैसे ऊपर आप देख रहे हैं बहुत मोटी सारी हो जाती है उंगली के जितनी बड़ी, फिर हम उसको देखते हैं तब पता लगता है कि उसने तो जो नुकसान करना था वो कर दिया, अब उसका कोई हमको स्प्रे का फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। इसी तरह से बीमारी के अंदर भी हमको ये देखना है कि कोई बीमारी आ रही है तो वो कहाँ आ रही है, उसके जब छोटे छोटे स्पॉट या बीमारी की शुरुआत हो तभी आप उसको कंट्रोल में कर लें। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है जो मैंने इसमें लिखा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से आप निर्णय लें, नहीं कि कई बार क्या होता है, कई बार नहीं ज्यादातर हर स्टेट में पूरे इंडिया में हम पड़ोसी से पूछते हैं कि भाई साहब आपने क्या स्प्रे किया, और हम बिना देखे बिना जाने वही स्प्रे हम कर देते हैं। उसने पता लगता है कि 2 ml/L वाटर डोज ली थी, हमने सोचा यार हमको थोड़ा अच्छा कंट्रोल मिले हम 2.5 ml डोज कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। राइट टाइम, जो 4 R मैं बता रहा हूँ उसमें फर्स्ट है कि राइट टाइम। राइट टाइम मतलब हमको उस कीड़े का कौन सी समय पे स्प्रे करना है वो हमको पहले से पता होना चाहिए। दूसरा आता है राइट पेस्टिसाइड। राइट पेस्टिसाइड में हमको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली तो सबसे बड़ी और पहली कि हमको, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 तरह के ट्राइंगल बने हुए होते हैं, रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। इसमें से जो ग्रीन वाला होता है वो हम इंसानों के लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए, जो मधुमक्खियां हैं उनके लिए, जो हमारे मित्र कीट हैं, मित्र फफूंद हैं, उनके लिए ये अच्छा होता है। तो हमको कोशिश आप करें कि उसका चुनाव करें। और आप यहाँ पे ओरल जो LD50 आप देख रहे हैं, एक इसमें लिखा हुआ है, LD50 का मतलब लीथल डोज, जो 50 उसका एक मानक है वो मिलीग्राम पर केजी। आप देखेंगे कि जो ग्रीन है वहां पे 5000 mg से भी ज्यादा वो लेवल पे आएगा, अगर हम उसको खाएंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक है, जबकि वहीं पे अगर वो आप ग्रीन में देखेंगे तो वो 50 पे जा रहा है, यानी वो 100 गुना उसकी जो है वो ज्यादा हानिकारक है रेड वाला। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप जब भी पेस्टिसाइड का चुनाव करें उसका ट्राइंगल जरूर देखें, पहली चीज। दूसरा, हमको सही पेस्टिसाइड का चुनाव करना है। जैसे मैंने कहा कि पड़ोसी के कहने पे नहीं, हम जिस पेस्टिसाइड का चुनाव कर रहे हैं, जिस फंजीसाइड का कर रहे हैं या इंसेक्टिसाइड का कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे उस पर कितना कंट्रोल करने वाला है। पता लग रहा है पेट में दर्द था, सिर दर्द वाली दवाई ले ली और फिर फोन आता है डॉक्टर साहब कंट्रोल नहीं मिला,
कंट्रोल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमने सही पेस्टिसाइड का चुनाव ही नहीं किया। तो इसलिए आपको सही पेस्टिसाइड उसमें देखना है, उस पेस्टिसाइड के अंदर पूरी जानकारी होती है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। पेस्टिसाइड कॉन्टैक्ट है, सिस्टेमिक है, प्रोटेक्टिव है, क्यूरेटिव है, किस तरह का पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड, ये हमको देखना है। उसका इफेक्ट कितने दिन पर हमारी फसल में रहने वाला है, ये भी उसमें वेटिंग पीरियड जिसको कहते हैं वो भी लिखा रहता है, तो वो भी हमको ध्यान रखना है। इसी तरह से नई जनरेशन के आजकल जो पेस्टिसाइड आ रहे हैं, इनके मल्टी इफेक्ट होते हैं। मल्टी इफेक्ट मीन्स वो आपका थ्रिप्स भी कंट्रोल कर रहा है, व्हाइट फ्लाई भी कंट्रोल कर रहा है, जेसिड को भी कर रहा है, एफिड को भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे सकिंग पेस्ट उससे कंट्रोल हो रहे हैं। तो हमको ऐसे भी जो नए जनरेशन के पेस्टिसाइड हैं उनका भी हम चुनाव कर सकते हैं। जैसे हमारे मल्टी प्रॉब्लम है, हमको पता लग रहा है हमारे थ्रिप्स भी आ रहा है और व्हाइट फ्लाई भी है, तो हम ऐसे पेस्टिसाइड का या इंसेक्टिसाइड का चुनाव कर सकते हैं। आजकल ऐसे भी प्रोडक्ट आ रहे हैं जो माइट इंसेक्टिसाइड है लेकिन माइट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम उनका भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से इस समय माइट भी रहती है। तो ये हमको जो दूसरा आर है वो है कि राइट पेस्टिसाइड यानी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड कौन सा हमको लेना है, वो आपको चुनाव करना है बड़े आराम से, ध्यान से। थर्ड आर जो आता है वो आता है हमारा राइट डोज, पेस्टिसाइड की सही मात्रा। मैं कहूँगा इस पे भी बहुत सारे जो हैं बहुत सारे चलते हैं, एक स्पेशली पंजाब के बारे में चलता है कि वहाँ से एक कैंसर ट्रेन चलती है। एंड द रीजन कि हम जो राइट डोज है उसको हमने कभी जाना ही नहीं, उसको हमने पहचाना नहीं, अंधाधुंध पेस्टिसाइड का प्रयोग करते गए और फिर भी पता लग रहा है कि इंसेक्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है। इंसेक्टिसाइड के अंदर जो पेस्ट के अंदर जो रेसिस्टेंस है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमेशा पेस्टिसाइड की मेरा ये कहना है कि जितनी उसकी निर्देशित मात्रा है उतना ही डालें, कम भी नहीं डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना है। कम तो हालांकि बहुत कम हम डालते हैं, लेकिन ज़्यादा कभी नहीं डालना है। सबसे अच्छा है उस पेस्टिसाइड के साथ में, यहाँ पे एक मैंने ऊपर फोटो भी लगाया है, एक लीफलेट या पुस्तिका आती है उसके अंदर पूरा लिखा रहता है कि प्रति हेक्टर इतना पानी लगेगा और इतनी आपकी डोज रहेगी, तो आप उसका वो जरूर देखें उसके अंदर। इसके अलावा एक ही पेस्टिसाइड को आप इंसेक्टिसाइड, हमारे किसान भाइयों में सबसे बड़ी आदत क्या है कि जिस इंसेक्टिसाइड का या फंजीसाइड का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है ना, अगले साल उस फसल में उसको सबसे पहले उसी को डालते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। बार बार एक ही इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड को रिपीट करेंगे तो आपका कीड़ा बीमारी कंट्रोल होना बंद हो जाएगा, हमारे पैसे का जो आर्थिक नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है। राइट डोज आप हमेशा इस्तेमाल करें, उस लीफलेट को जरूर देखें, उसको जरूर पढ़ें। कभी कभी हमें क्या है, जैसे मैंने कहा पड़ोसी है या कोई जिसको थोड़ा ज्ञान कम है वो हमें डोज ज़्यादा बता देते हैं। बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप पे इतने सारे फोटोग्राफ्स आते हैं जिनके अंदर पेस्टिसाइड के कारण बर्निंग भी आई हुई है, तो आप हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखें। खास करके जब हम 2 से 3 पेस्टिसाइड आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उनकी डोज का हमको खास ध्यान रखना है। मेरे हर वीडियो में मैं ये चीज़ें आपको बताता हूँ। तो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट आर जो है वो है हमारा राइट डोज, पेस्टिसाइड की हमको सही मात्रा इस्तेमाल करनी है। और लास्ट में आता है कि राइट मेथड, पेस्टिसाइड जो भी हम छिड़काव करें उसका सही तरीका क्या होना चाहिए। इसके अंदर भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे, वही मैं फिर रिपीट करूँगा कि पेट में प्रॉब्लम है और सरदर्द की दवाई ले रहे हैं, हार्ट में प्रॉब्लम है और फ्रैक्चर का इलाज करवाने चले गए, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे किसान भाई उनके स्टेम रोट आया हुआ है और वो जो है वो ड्रिप के साथ दवाई चला रहे हैं या वो ड्रेंचिंग कर रहे हैं मिट्टी के अंदर। भाई जब हमारे प्रॉब्लम तने में है तो मिट्टी के अंदर आपको वो दवाई डालने से कैसे कंट्रोल मिलेगा जितनी जल्दी आप चाह रहे हैं, मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन पता लगे 30-40% रिजल्ट मिल रहा है। तो इसलिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, जड़ में है तो आप जड़ के अंदर दवाई डालो, तने में है तो तने में डालो, फ्रूट के अंदर प्रॉब्लम है जैसे बहुत सारे, जैसे से फॉर एग्जाम्पल फ्रूट फ्लाई है, हेलिकोवर्पा है, वो सिर्फ फलों को ही खाती है, तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि जो हम दवाई कर रहे हैं वो वहाँ फ्रूट तक या ऐसी सिस्टेमिक दवाई हो जो उस कीड़े तक जल्दी से जल्दी पहुँच के उसको कंट्रोल करे। तो ये हमको ध्यान में रखते हुए उस स्प्रे का छिड़काव जो करना है आपको इस तरह से करना है, जितनी बारीक बूंद होगी उतना ही आपका अच्छा जो है
वो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको स्प्रे किससे करना है, पावर पंप से करना है, ट्रैक्टर से करना है, पीठ वाली जो टंकी या पंप आता है उससे करना है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और उसके हिसाब से आपकी डोज होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि डोज ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, पता लगे कि हमारी 1 ml पर लीटर वाटर की डोज है, यानी 1 acre में हमारा 150 liter पानी जाना चाहिए। अगर हमारी पूरी फुल कवरेज जो हमारी फसल का होता है तो लगभग 150 या मैक्सिमम 200 liter पानी लगता है। अब आपके मान लो पानी लग रहा है 300 liter, आपने पानी लिया तो दवाई भी 300 ml ले ली, तो ऐसा नहीं करना, वो ओवरडोज हो गई है। तो हमको जो डोज जितनी फिक्स है उतनी ही डोज हमको रखनी है। स्प्रे का समय क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है, व्हाट्सएप पे भी, चैट बॉक्स में भी। मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है ठंडा मौसम, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे सर्दियों के दिन हो, तो आप दोपहर में भी स्प्रे कर सकते हैं। आपका पत्ता जो है उस पर किसी तरह का जैसे बरसात या ओस की बूंदें ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो हमको ध्यान में रखना है, ताकि एक बार दवाई या स्प्रे करने के बाद वो पत्ता उसको अच्छी तरह से सोख लेना चाहिए। स्प्रेडर या स्टिकर मिलाएं या नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कई बार हमारे जैसे फसलें हैं, जैसे हमारे नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां चिकनी होती है, आपका जैसे प्याज है, लहसुन है, इनकी पत्तियां गोल और बहुत पतली होती है, तो ऐसे में आप अगर स्टिकर या स्प्रेडर नहीं मिलाएंगे तो आपका जो इफिशियंसी है पेस्टिसाइड की वो कम हो जाएगी। और कुछ दवाइयां जो आजकल अच्छी आ रही है स्टैंडर्ड की, उनके अंदर ऑलरेडी वो प्री मिक्स होता है, उनके अंदर आप चाहे नहीं मिलाएं, लेकिन फिर भी आपको स्प्रेडर और स्टिकर का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। लास्ट पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जहां पे हमको चाहिए वहां पे वो दवाई जानी चाहिए। आपका पूरा पत्ता इस तरह से भीगना चाहिए कि आपकी दवाई भी वेस्ट नहीं हो और हमारा जो पूरा जो फुल कवरेज है वो भी हो जाए। कई बार कुछ इंसेक्ट नीचे रहते हैं, तो अगर हमारा पत्ती के नीचे, जैसे हमारी स्टैंडिंग आप बांस पे कोई फसल ले रहे हैं, या जैसे पोली हाउस ग्रीन हाउस में हम खीरे की फसल लेते हैं, तो पत्ती की बैक साइड में भी आप आसानी से जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। तो आप पत्ती की बैक साइड में स्प्रे करेंगे, जैसे थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, तो आपको उसके अंदर जो रिजल्ट है वो फास्ट मिलेगा। तो ये मोटे मोटे जो सावधानियां हैं, ये अगर आप रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हर दवाई का जो है वो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, ये तकनीकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज्यादा से ज्यादा हमारे दूसरे किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।